तो कनेक्टेड मोशन क्वेश्चन नंबर 34 शायद होमवर्क था नहीं, तो 34 एक बार बनाना, आंसर तो है ही आप लोगों के पास, मैच करना नहीं बनेगा तो फिर मैं बता दूंगा। एचसीबी का और कनेक्टेड मोशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, कनेक्टेड मोशन पार्ट टू, एचसीबी क्वेश्चन नंबर 25। ये सर्फेसेस फ्रिक्शन लेस दिया हुआ है, क्वेश्चन पूरा किताब से पढ़ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। फ्रिक्शन लेस है, पुली स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, बताया था स्ट्रिंग पुली इन सबका मास नहीं कंसिडर करना है। कहीं जा रहा होगा ये ब्लॉक, अपने से कंसिडर कर लो, थोड़ा ज्यादा झुका हुआ लग रहा है ये, मान लो इधर की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और पूछ रहा है आपसे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, यही निकालना है। तो खुद से ट्राई करना है। सबसे पहले तो इसमें एंगल ही दिया हुआ नहीं है, है ना, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग बता रहे दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 8th क्लास में आप लोग पढ़े थे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये हाइपोटेनस है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब तुम्हारा मर्जी, जिसको तुमको थीटा लेना है वहां से तुम इस क्वेश्चन को लेकर के अप्रोच कर सकते हो, इस तरह इधर थीटा चाहो तो ले सकते हो, ऐसे तुम्हारा मर्जी यहीं पर भी लेकर चलो, ठीक है। तो कितना कितना हो जाएगा फिर, अगर इसको ले रहे हो तो उस हिसाब से साइन थीटा कितना हो जाएगा, अगर इसको थीटा ले रहे हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना, साइन थीटा इधर से ले रहे हो तो परपेंडिकुलर में कौन है 4 और हाइपोटेनस में कौन है 5, साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/2, अगर यहां से ले रहे हो, ठीक है, और अगर इसको ले रहे हो तो, अगर इसको ले रहे हो तो तब बताओ, तो देन साइन अल्फा इज 3/5 एंड कॉस अल्फा इज, और एच सी वर्मा सर तो बताते भी है कि 3/5 4/5 वैल्यू 37 डिग्री पर होता है, पहले भी बताया गया 3/5 4/5 वैल्यू 37, तो ये 37 डिग्री है, 53 डिग्री पर होता है, ठीक है। अब अप्रोच करो कैसे कैसे होगा, दोनों ब्लॉक के लिए बात कर लेते हैं, इस ब्लॉक के लिए बताओ, यहाँ डायग्राम बनाया जाए इस ब्लॉक का, चलो बताओ कई बार समझा चुका हूँ कैसे कैसे होगा, इस ब्लॉक का वेट किस तरफ होगा, कितना मास 1 kg है तो वेट 10 न्यूटन का हुआ, फिर इसको रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, फिजिक्स पढ़ने से नहीं होगा मोशन चैप्टर पढ़ने पर, आपको यहाँ पर किसी भी कीमत पर वेक्टर क्लियर करना है। ये एंगल थीटा है, अब बताओ ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अब बताया गया था एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला cos tan cos थीटा एंड दिस इज tan sin थीटा, इसमें रस्सी लगाया हुआ है, रस्सी है मतलब इसमें क्या काम करेगा टेंशन, और ये किस और कोई फोर्स है इसमें नॉर्मल, चलो नॉर्मल तो इसको बैलेंस कर देगा। आज के क्लास भर में नॉर्मल का काम नहीं पड़ रहा है, जैसे ही फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो नॉर्मल का भी काम पड़ेगा, अभी नहीं काम पड़ रहा है क्योंकि अभी हमारा बॉडी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये किस तरफ जा रहा था, ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब इसमें कौन ज्यादा हुआ, किससे ज्यादा हुआ, फोर्स से फोर्स घटाएंगे कितना आ जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 1 था, एक्सेलरेशन अभी पता लगाना है, टी माइनस टेन साइन थीटा यहां पर निकाले थे है ना, यही था ना, ये कट गया 2 बार में, टी माइनस 8/a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो डाउट, ठीक है। दूसरे ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए बताओ जरा सा, ये ऐसे है, चलो बताओ फिर तुम ही लोग बताओ, ये ब्लॉक ऐसे है, खुद से बताओ कहां इसका वेट कितना 10 है ना, और ये एंगल अल्फा था, रिजॉल्व करो, वेक्टर सीखो, मोशन मोशन सीखने से कुछ नहीं होगा, अब बताओ यही एंगल यहाँ आ जाएगा अल्फा, एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला टेन कॉस अल्फा, इधर वाला टेन, और रस्सी इस पे भी लगाया हुआ था, इस पे भी लगेगा टेंशन, लेकिन अब ये कहाँ जा रहा था, अब कौन ज्यादा है, टेन साइन अल्फा ज्यादा है, किससे, फोर्स से फोर्स घटाएंगे क्या आएगा, मास है 1
एक्सेलरेशन है फिर से ए, साइन अल्फा का वैल्यू निकाला हुआ था 3/5 माइनस की बराबर ए, अब कितना हो गया 6 माइनस की बराबर ए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, ए ही निकालना था, तो सी के जगह पर पुट कर दो ए प्लस 8, तो यहाँ पर 6 माइनस टी के जगह पर ए प्लस 8 इज इक्वल टू ए, ये क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर भी नहीं आ रहा ना, टी माइनस 8 आ रहा है, 6 माइनस टी आ रहा है, अच्छा दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, अच्छा हाँ दोनों इक्वेशन को ऐड, हाँ दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, आप बोलो टी टी कट जाएगा तो कितना आएगा माइनस 8 माइनस 2 ना माइनस 2 बराबर 2 है, ए बराबर आ गया माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। माइनस 1 आने का मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि तुम जो माने हो डायरेक्शन वो एक्चुअली में गलत है, ये इस तरफ नहीं जा रहा था मोस्ट प्रोबेबली, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तभी आपका आंसर माइनस में आ रहा है, 34 ठीक है, बोलेगा तो ये माइनस आ रहा है मतलब इसको हो सकता है कि एक्सेलरेशन जिस तरफ तुम लिए हो उस तरफ नहीं हो गए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छी वर्मा का, शायद मैं बता दूं अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, हम लोग फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन नहीं है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये सब न्यूमेरिकल अगर आपको आ गया बनाना तो टाइम लग ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी तो फट से लिख करके निकल जाएंगे, है ना। 30 नंबर एचसी भी पूरा क्वेश्चन ही लिखा रहा हूं, घर पर मिला लेना। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्प्रिंग है और बोला जा रहा है कि सरफेसेस को क्या लेना है, सरफेसेस को लेना है फ्रिक्शनलेस और रस्सी का मास उस नहीं लेना है, ये अपने से समझ लो, क्वेश्चन में मेंशन भी है, आपको टेंशन केवल बताना है कितना होगा, कैसे कैसे बनाया इसमें बताओ, कौन कहां जा रहा नहीं मालूम, इसको ऐसे मान लेते हैं, है ना, ये मतलब ये नहीं, ये है ना टेंशन, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये है ना, यही ना, इधर भी होता, इसका काम नहीं है शायद, इसका काम नहीं है, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, और ब्लॉक ए कहाँ जा रहा है, तो इसका वेट तो बनाएंगे, इसका वेट कितना हो जाएगा 0.10 न्यूटन 1 * g है ना, चलो तो बताओ ये नीचे आ रहा, मतलब कौन ज्यादा है, इससे फोर्स से फोर्स घटाएंगे, फोर्स आएगा, बोलो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया इस ब्लॉक के लिए, ब्लॉक बी के लिए केवल एक टेंशन ही एक ऐसा फोर्स है जो कि इसको खींच रहा है और कोई नहीं है, ज्यादा कम ये वो देख रहे हो ना, यही तो इसको खींच रहा है, खींचा रहा है, एक ही फोर्स है जो इसको खींच रहा है, मतलब ब्लॉक बी के लिए केवल टेंशन ही है जो कि इसको खींच रहा है, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 1 इंटू एक्सेलरेशन, अब दोनों को क्या कर देना, ऐड, खुद से बनाए छाप दिए, ये दोनों कट गया 10 बराबर 2 है, ए बराबर दिस इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन भी 1 इंटू ए ही था तो दिस इज 5 न्यूटन, तो दो स्ट्रिंग की सरफेस, क्वेश्चन नंबर 31 एचसी वर्मा, क्या क्वेश्चन को देख लो, सरफेस फ्रिक्शन लेस है, पुल्ली उल्ली का स्ट्रिंग उस्ट्री का मास नहीं लेना है इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में लेना है, हाँ और क्या पूछ रहे हो, हाँ पुली है, दो स्ट्रिंग है इसमें, दूसरा वाला स्ट्रिंग जो है वो पुली के इस लेंथ के साथ ही बांधा हुआ है, ये सरफेस है, इसका मास एम है, इसका मास 2m है, एक्सेलरेशन इस मास से निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग बोल रहा है मतलब क्लियर कट इन द टी निकालना है, कैसे निकालोगे, निकाल करके दिखाओ, चलो भाई इसको देखो, अप्रोच करो पहले अपने से, बताओ कहीं लिखा हुआ नहीं है कौन सिस्टम कहाँ जा रहा, तो अपने से अगर मान रहे हो तो मान लो इसके ऐसे नीचे की तरफ, तो ये वाला इस तरफ ना आएगा, ऐसे उधर थोड़ी चला जाएगा, ऐसे संभव नहीं है, ये इधर तो ये इधर ही आएगा, या वाइस वर्सा तुमको लग रहा है ये इधर जाएगा तो ये ऊपर आएगा,
समझो बेसिक सही रखो, पोस्टर मान लो नहीं भी बना, बेसिक सही रखो। चलो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग फोर्स, इसका वेट किस तरफ है, एम जी नीचे का तरफ, टेंशन कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो रस्सी है, यहाँ पर दिस विल बी टू टी। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है, कल के क्लास में सिखाया था, होमवर्क भी दिया था, रस्सी दुगना, मतलब एक्चुअली में रस्सी दुगना से मतलब नहीं है, रस्सी दुगना टेंशन दुगना तो एक्सलेशन आधा। इसका अगर ए ले लिया हो तो इस वाले का एक्सलेशन जो है वो ए बाई टू होगा, ये नहीं ले पाए तो नहीं बन पाएगा वो सर, ठीक है। बाकी अब खत्म करते हैं, इस ब्लॉक का नाम है, ब्लॉक का नाम बी, ब्लॉक ए के लिए फिर बताओ। चलो तुम मान रहे हो कि नीचे ही जा रहा है, तो एम जी माइनस टी, फोर्स से फोर्स घटा, दिस इज एम ए, दिस इक्वेशन नंबर वन फॉर ब्लॉक बी। चलो एक ही फोर्स है इसमें, इसमें दो फोर्स थोड़ी है, वेट फ्रिक्शन होता है एक्चुअली में, बट नहीं लेना है। जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है, बस ये टूटी खींच रहा है, इसमें कौन ज्यादा कौन कम कुछ है नहीं, फॉर ब्लॉक बी को ये टूटी खींच ले रहा है, यही फोर्स है। मास कितना है इसका, ए कैसे एक्सेलरेशन है इसका, ए बाई टू, ठीक है, टू टू कट गया तो टू टी बराबर एम ए हो गया। अब हमें क्या निकालना था, दोनों निकालना था, एक्सेलरेशन भी निकालना है और टेंशन भी निकालना था, दोनों का आर एच एस शायद बराबर हो जा रहा है, आर एच एस बराबर, एल एच एस बराबर हो जाएगा, एल एच एस में क्या आ गया, एम जी माइनस टी बराबर टू टी, वो उधर चला गया, थ्री टी बराबर एम जी, तो मेरा दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर पहले आ गया, टी बराबर एम जी बाई थ्री, दूसरे क्वेश्चन का पहले आ गया। और पहले वाले का निकाल लेते हैं, इक्वेशन टू से कितना था, टू टी बराबर एम ए, टी कितना है, एम जी बाई थ्री एम ए, एम एम कट गया, एक्सेलरेशन कौन सा, टू टी टू जी बाई थ्री, एक्सेलरेशन इज टू जी बाई थ्री, टेंशन इज एम जी बाई थ्री। इसी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन भी है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुल्ली ए, इन द स्ट्रिंग या इन द फिगर। ये क्लैंप है ना, क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है, बाई द क्लैंप ऑन द पुल्ली, ये क्लैंप इस पुल्ली पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इस पे जो लोग ऑफलाइन में है उन लोग बताए कि आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो इसको अभी हम लोग देखते हैं कि आइडिया कैसे लगेगा इसमें, अभी आइडिया लग जाएगा। ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ठीक है। अब बताओ, ये क्लैंप है, ये पुल्ली है, ठीक है, ये क्लैंप है, ये पुल्ली है ना, इसमें कितने तरह का फोर्स लग रहा है, ठीक है, दो तरह का फोर्स लग रहा है ना, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पर आएगा, 90 डिग्री पर, दो टेंशन है ऐसे, ये तो इसके लिए था, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से इधर की तरफ लगता है एक्चुअली में, है ना, आ रहे हैं, इसका रिजल्टेंट कहां पर लगता है, बोलो पैरेलोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन, बोलो वेक्टर नहीं बताओगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, जैसे मेरे नहीं बताओगे वेक्टर भैया तो क्या पढ़ाएगा। दो फोर्स लग रहा है 90 डिग्री पर और बराबर भी है, इसका रिजल्टेंट कहां पर आता है, पैरेलोग्राम लॉ ऑफ एक्सटेंशन, बिल्कुल डायगोनल पर आएगा इसका, हाँ ये वाला इसका रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब यहाँ पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये दोनों रस्सी लगा रहा है, किस पर, पुल्ली पर, कितना होगा, अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, फिर दोनों 90 डिग्री पर है तो सिर्फ कितना होगा, दिस इज रूट टू टी, टी स्क्वायर नहीं, रूट टू टी, इतना रिजल्ट, मतलब इतना फोर्स इधर लग रहा है, फिर भी ये क्लैंप टूट के फेंका नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्लैंप भी पुल्ली पर उतना ही फोर्स लगा रहा, नहीं तो ये दोनों रस्सी मिल करके इसको खींच करके तोड़ के फेंक देता, लेकिन नहीं तोड़ पा फेंक पा रहा, क्योंकि ये जो क्लैंप है ये भी पुल्ली पर एक फोर्स लगा रहा है और नहीं कहीं पर है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब इतना ही रूट टू टी, ये जो क्लैंप है, अरे समझ में,
इतना क्लैंप ये फोर्स इस पुली पर लगा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूट टू टी, ठीक है। और क्योंकि आंसर तो यही है बट टी हमने निकाला था, कितना था पिछले क्वेश्चन का ही डेटा है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 35 अच्छी और मगर क्वेश्चन 35 फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 500 ग्राम ब्लॉक इन द फिगर। यही 500 ग्राम है, ये इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, पूछ रहा है मतलब इसको नीचे मान सकते हो, तुम्हारा मर्जी वैसे, बट यू कैन से कि ये नीचे जा रहा होगा ऐसे, ये ऊपर, ये ऊपर, सर सर इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। सरफेस फ्रिक्शन लेस है, उल्ली उल्ली का रस्सी वगैरह का मास वेट नहीं लेना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 इट्स अ टफ क्वेश्चन ऑफ एचसी वर्मा। तो क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन जो होगा सो होगा देखा जाएगा, पहले बताओ अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस के बारे में, थोड़ा सा थोड़ा फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। इस ब्लॉक के लिए बताओ जरा सर, ब्लॉक का वेट कितना लग रहा है? 500 लेकिन ग्राम में है ना, तो 0.5 केजी हुआ और जी ही रहने देंगे, 0.5। अब कंफ्यूज नहीं कर जाओ ना, ये जी एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी वाला, ग्राम वाला नहीं है, मास है 0.5 स्मॉल जी, इसका वेट हो गया। अब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आंसर स्मॉल जी के फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। और बताओ इसके लिए टेंशन ऐसे ऊपर, हाँ चलो T1 ये हो गया। इस ब्लॉक के लिए बताओ थोड़ा सा सोच सोच के, हाँ इसका वेट नीचे की तरफ 0.1 g। अब इसको रिजॉल्व, ठीक है, उसके लिए ये एंगल, ये एंगल दिया हुआ, तुम लोग बोले नहीं इतना देरी से, इसी को संभाल, एंगल दिया हुआ होगा, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है जी, तुम लोग को लगा एंगल लीजिए इसलिए नहीं बनाए, चलो कोई नहीं, 30 दिया हुआ था, चलो थीटा पे बनाते हैं, आंसर थीटा के फॉर्म में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेथड क्लियर है तो हो जाएगा, आंसर तो आते रहता है, बाकी रिजॉल्व कर लेते हैं इसको, यहीं पर करूं अलग डायग्राम में कर दूं, पहले अभी यहीं पर कर देता हूं, हाँ कैसे होगा बताओ, ये इधर, ये इधर है ना, एंगल है ये 30 डिग्री इधर, ये बोलो इधर 0.1 g cos 30 और इधर, और इसका अब इसके लिए टेंशन किधर है, इसका ये वाला टेंशन। अब देखो परसों समझाया भी था आप लोगों को, नहीं समझो तो अब समझो, रस्सी सेम होने पर टेंशन सेम, ऐसा रूल नहीं है, रूल ये है कि ये पुल्ली है, इसके आसपास मास जुड़ा हुआ है, इसका टेंशन सेम होगा। इस पुल्ली के लिए देखो, इससे जो मास जुड़ा हुआ अलग अलग है तो इसके लिए टेंशन अलग होगा, अरे समझ में, ये रूल आपको फॉलो करना होगा, यहाँ पर टेंशन अलग अलग होगा, उसके लिए पहले ये कर लेते हैं, पहले इसका फिर उसको मैनेज करते हैं। इसका कितना होगा वेट, 0.05, फिर जी, इसका टेंशन ऐसे P2, और इसके लिए P2 है ना, तो आप बताओ क्या क्या हिसाब किताब है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। एक्सेलरेशन ए ए ए, हाँ इसके लिए ये तो पहचान में, इसके लिए इस पुली पर T2 होता ना इसका, अरे होता, ये T1 जैसे T1, इसका T2, तो इसका यहाँ पर T2, अरे डाउट है क्या, ठीक है ऐसे गड़बड़ा दूंगा तो कैसा होगा। अब एक एक करके बात कर लेते हैं, ब्लॉक का नाम रख लो कुछ ना कुछ, अब कुछ ना कुछ ही मत रख लो, इसका नाम कुछ ना कुछ ऐसे ए बी, हाँ हाँ यही पर आ रहे फॉर ब्लॉक ए, उसी का ग्रुप, हाँ हाँ ब्लॉक ए के लिए बताओ कौन ज्यादा है, 0.5 किससे ज्यादा, -P1, 4 से फोर्स घटाएंगे फोर्स आएगा, ठीक है। ब्लॉक बी टू, इसके लिए दिक्कत है, बताओ फॉर ब्लॉक बी ऊपर जा रहा है,
टी वन ज्यादा है किससे, 0.1 जी, और ये जो टी टू था इससे भी ज्यादा है। अरे समझ रहे, अरे बाबा इस पर ये जो पुली रस्सी से फोर्स लगा रहा है टी टू इस तरह, उससे ज्यादा है क्योंकि उधर की तरफ जा रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टी वन माइनस 0.1 जी साइन थर्टी माइनस टू, फोर्स से फोर्स घटाएंगे तो फोर्स आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन कितना 1 N r, और एक क्या बच गया ब्लॉक सी, ये 0.1 जी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते साइन 30 में दिक्कत होगा कैलकुलेशन करने में, साइन 30 कितना होता है टी वन माइनस 0.1 जी 1/2 माइनस टी टू 0.1 a, ठीक है। अब फॉर ब्लॉक सी इसके लिए बताओ, ये ऊपर जा रहा था कौन ज्यादा होगा इससे, फोर्स से फोर्स घटाएंगे तो फोर्स आएगा 0.05 a। इक्वेशन तीन है, वेरिएबल भी तीन है, टी वन टी टू और ए, तो हो जाएगा। सिखाया गया था आप लोगों को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं, जिससे एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल, तीन वेरिएबल है तो इक्वेशन भी तीन है, आगे पीछे होकर हो जाएगा। वैसे में हमें टी वन टी टू निकालना नहीं है, हमें केवल एक्सेलरेशन का उपाय करना है ना, तो कैसे किया जाए बताओ। इक्वेशन ए और सी को जोड़ दू तो उससे टी टू माइनस टी वन आ जाएगा, है ना। इक्वेशन ए और इक्वेशन सी को जोड़ देते, ठीक है। सर तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, अपने से करना है, तीन इक्वेशन है तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है तीन वेरिएबल है, सॉल्यूशन खुद से करना, जरूरी नहीं कि ट्यूशन टीचर ही आपको बताए तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल कैसे करते हैं। बट मैंने ऐसे किया है, ए और सी को ऐड किया है, ए और सी को ऐड किया है, ए और सी को ऐड किया और बी में पुट कर दिया। आपको जो तरीका ठीक लग रहा है करो, क्योंकि तीन इक्वेशन आ रहा है तीन वेरिएबल आ रहा है, तुमको जैसे ठीक लगता है तुम वैसे कर लो। मैंने ए और सी को ऐड किया है, बी में पुट कर दिया है, काट कूट अपने से मैनेज करो, ये ट्यूशन टीचर का काम नहीं है। आंसर 8g/13 आएगा, और ए एक्सेलरेशन मैंने किसका माना था, ए मैंने इसी का 500 ग्राम वाले का माना था, और मैंने आंसर नीचे की तरफ माना था, और मेरा आंसर भी नीचे की तरफ आया है, एचसीबी में यही आंसर दिया हुआ है 8g/13 डाउनवर्ड्स, आंसर भी इसी तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन 12 देख लो बच्चों, एचसी वर्मा का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं नहीं लिखवाऊंगा, सबके पास किताब होगा, किताब नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, एचसीबी या एनसीईआरटी तक अभी तक आपके पास नहीं, तो अक्टूबर आ गया क्या कर रहे हो, है ना। क्वेश्चन देख लेना एक बार, क्वेश्चन को मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक लड़का है वो गिर गया है, पहले से भी गिरा हुआ था हो सकता है, बट वो गिर गया इतने हाइट पर, कितना हाइट पर है यहाँ से यहाँ तक, यह हाइट एज मेंशन है क्वेश्चन में, और इस गड्ढे में गिरा है उसका डेप्थ डी है, और ये इसके बीचों बीच में है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट डायग्राम के हिसाब से तो एनालाइज कर रहे हैं। ये दो फ्रेंड है, गिर गया है तो पुल्ली से रस्सी लगा के इसको ऊपर खींचने का कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन इतना है कि ये जो दोनों दोस्त फोर्स लगा रहा है, एज्यूम्ड इक्वल, दोनों बराबर मानना है, बराबर बराबर फोर्स लगा रहा है, प्रूफ करना है कि जैसे जैसे ये लड़का ऊपर आएगा तैसे तैसे ये दोनों लड़के को जो फोर्स लगाना है, ऊपर आ रहा है आ रहा है आ रहा लड़का, तो वो फोर्स बढ़ेगा या फिर घटेगा, शो करना है। कैसे करोगे करके दिखाओ। तो क्वेश्चन तो अपने जगह पर है, मैं शुरू से बता रहा हूं, क्वेश्चन पर मत चलो, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस पर चलो, फोर्स को समझो कौन सा फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा, फिर बताओ क्या क्या लग रहा है। इस लड़का का कुछ मास उस होगा, कुछ मान लो एम, इसका वेट किस तरफ लगेगा यार, और यहां पर ये रस्सी है, और एज्यूम्ड इक्वल उक्वल बोला हुआ, अलग अलग रस्सी वस्सी ऐसा नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, इसको टी मान लेते हैं, और यहां पर इसके लिए टी, और इसके लिए टी, यही सब होगा, ठीक है। अब बताओ थोड़ा सा रिजॉल्व करने की बारी आ गई, अब हमें एंगल लेना पड़ेगा, अब तुम्हारे ऊपर तुम एंगल कहां ले रहे हो, मान लो मैं एंगल यहां लिया, ठीक है, मान लो मैं एंगल यहां लिया, एंगल एरो के साथ वाला कॉस थीटा,
एंगल एरो के साथ वाला, दिस इज टी कॉस थीटा, ये मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल आउट हो जा रहा है, इक्वल अपोजिट फोर्स, तो ऊपर किससे आ रहा है, हाँ एंगल एरो के सामने वाला, टी साइन 30, वेक्टर पढ़ो मेरे ही नोट से पढ़ो नहीं तो दिक्कत होगा, एंगल एरो के सामने वाला, दिस इज टी साइन थीटा, ये दोनों फोर्स किस तरफ लग रहा है, और ये ऊपर की तरफ जा भी रहा है, मतलब यही दोनों जो है इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, इसको खींचने के लिए ये जो 2t साइन थीटा है, इसी से इस वेट को हम लोगों को खींच करके ऊपर लेकर के आना, एक्सेलरेट करते हुए आ रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो ये टेंशन कितना हो रहा है, यही टेंशन ही वो फोर्स है, देख रहे हो, ये टेंशन ही वो फोर्स है, ये जो दोनों लड़का लगा रहा है, इसके लिए इस तरफ होता ना, अरे समझ में ना, लड़के के लिए तरफ, पुल्ली के लिए उधर के तरफ, लड़के के लिए इस तरफ, उसी टेंशन से खींच रहा है, और कोई फोर्स नहीं नजर आ रहा है इसमें, ठीक है, तो बस ये टी बराबर कितना हो गया, mg बाई 2 साइन थीटा, थोड़ा मैथ्स वाला स्टेटमेंट है, बट ऐसा मैथ वाला नहीं कि 11th वाले लोग बोल दे कि हमारा नॉन मैथ्स है तो हम नहीं बता सकते, 10th वाला मैथ्स पर बेस्ड है, ये जैसे जैसे ऊपर आएगा ये एंगल बढ़ेगा कि कमेगा, कम होगा, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा तो एंगल तो कम से चला जाएगा ना, अरे ये इधर की तरफ ऐसे सीधा हो रहे, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएगा तो एंगल कम जाएगा, थीटा कम रहा है, साइन थीटा कैसा, साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन 90 पर वन, थीटा कम हो रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी कम होगा, एंगल कम रहा है, साइन का वैल्यू 0 पे 0 होता है, 90 पर जाते जाते बढ़ जाता है, मतलब जैसे एंगल बढ़ता है तो साइन थीटा वैल्यू बढ़ता है, एंगल घट रहा है साइन थीटा वैल्यू कम हो रहा है, और ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो जैसे जैसे एंगल कम होगा तैसे तैसे जो टेंशन है वो ज्यादा हो जाएगा, यही निकालना था इसको, यही प्रूफ करना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे जो टेंशन जो दोस्त को लगाना पड़ रहा है रस्सी पर, दैट टेंशन विल बी हायर ग्रेटर, फोर्स जो है उसको ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, और इसी में एक और क्वेश्चन भी है, इसमें पूछ रहा है कि एग्जैक्टली जब इतने हाइट पर जब ये लड़का फंसा हुआ तो उस समय इन दोस्तों को कितना टेंशन लगाना पड़ रहा है, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर मेरे तरफ से कनेक्टेड क्वेश्चन खत्म, कल से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हुए फ्रिक्शन की तरफ चल चलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, और HCV जो लोग बनाते हैं वर्मा में, और जितना क्वेश्चन कनेक्टेड क्वेश्चन का उसको अभी के लिए फिलहाल छोड़ देना, क्योंकि उसमें ज्यादातर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का न्यूमेरिकल है लिफ्ट के अंदर वाला, तो वो हम लोग फिर आराम से चैप्टर में आगे जाएंगे, ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहता है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।